हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को विजय व्यंजक टाइप 3 बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरल कीजिए, 2x - 3y - 7x + 2x - y + 2। इसमें कौन कौन पद समान है? यहाँ भी x और यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो सबसे पहले प्लस वाला का काम कर लेंगे। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है। दो दो कितना हो जाएगा? 4। और 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3। माइनस है तो -3x हो गया। अब यहाँ 3y है और एगो यहाँ y है, दोनों माइनस में है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3y और y मिलके क्या हो जाएगा? 4y। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे माइनस होगा। माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन y से बड़ा 3y है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। 3 और y 4y, और यहाँ पे प्लस 2 है, तो प्लस 2 है तो प्लस 2, यही हो जाएगा आंसर। -3x - 4y + 2। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -6a - 3b + c - 6a + 3b + 7c। क्या बोल रहा है? सरल करने के लिए। इसमें कौन कौन पद समान है? 6a और यहाँ है 6a, a दोनों का पद समान है। तो ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस 6। ये प्लस में और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाता है, तो 6a और 6a कट जाएगा। और यहाँ पे 3b, एक भी यहाँ है और एक भी यहाँ है, तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो कट जाएगा। दोनों का पद समान है, ये माइनस में और ये प्लस में, तो कट जाएगा। और ये प्लस सी और प्लस 7c, तो 7c और 1c मिलकर क्या हो जाएगा? 8c। आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8x² + 5xy + 3y² + 3x² + 2xy - 6y². तो सरल करने के लिए बोला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वो यहाँ है और इसमें नहीं है, कहूँ पे एक्स स्क्वायर। इसको पहले काम कर लेंगे, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11। एक्स स्क्वायर है दोनों पे, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 5xy दो यहाँ पर है और यहाँ पे है 2xy, दोनों का पद समान है, दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। 5 2 क्या हो जाएगा? 7 7xy। और यहाँ पे है प्लस 3y² माइनस 6y² प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3y² है, तो y² तो कितना आ जाएगा आंसर? 11x² + 7xy - 3y² आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8x - (-2). तो 8x गुना है तो गुना, माइनस 2 है तो इसको ब्रैकेट में से बाहर करेंगे तो -2 हो गया। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो 8 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 × 16 और x है तो x, और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस रहता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -16x आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3x (-3x²y). तो इसको कैसे बनाएंगे? -3x है तो -3x, गुना है तो गुना, ब्रैकेट में से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -3x²y। माइनस माइनस क्या हो जाता है? -(-) + तो गुना में इसको, इस दोनों को गुना कर देंगे तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 +
9 एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या होता है, पावर एक होता है, तो एक्स 2 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, तो एक्स का पावर 3 हो गया। अब यहाँ पे वाई है, तो वाई का पावर कुछ नहीं रहता है, तो वाई का पावर 1 रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई का पावर 1, 9xq y का पावर 1 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4pq गुना 3pq, तो इसको कैसे बनाएंगे, 4 यहाँ पे 4 है ना, तो 4 पहले लिख रहे थे pq गुने 3pq, तो अब ये 4 है तो 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12, पी है तो पी गुना में पावर झुकता है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 6, 12 × 6 = 6 आंसर हो जाएगा, 12 × 6 = 6। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5x × 4x, तो इसको कैसे बनाएंगे, 2.5 × 4 है तो इसको गुना करेंगे, 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20 का 0 हासिल, 2 × 4 = 8 × 2 = 10 = 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव है, और x का पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर रहता है दोनों पर, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे x का पावर 2 आंसर हो जाएगा, 10.0x2। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5x × 2.5y, तो 2.5 × 2.5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को 25 से गुना करेंगे तो 5 × 25 = 5 हासिल, 2 × 5 = 10 × 2 = 12, 5 × 10 = 0 हासिल, 1 × 2 = 4 और 1 = 5, 5 × 2 = 5 और 1 = 625, 6 × 2 = 5, 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, और इसमें यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, पद समान नहीं है तो एक्स वाई हो जाएगा आंसर, 6.25xy आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2x × 1/2y, तो इसको कैसे बनाएंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 हो जाएगा, और एक्स वाई है तो एक्स वाई 1/4xy हो जाएगा आंसर। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/2xy × 2xy, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² और y को y से गुना करेंगे तो y², तो x² और y² आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x × 2x² × 2x³, इस तीनों का पद समान है, एक्स एक्स, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 हो जाएगा, एक्स का पावर कुछ नहीं तो 1 हो गया, 1 और पावर जुटता है गुना में तो 3 × 2 = 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, तो 8x² = 6 आंसर हो जाएगा, 8x² = 6। चलिए दोस्तों, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। −3x²y − 6 × −7xy, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, −3x²y × −6 है तो −6 ब्रैकेट से बाहर कर लेंगे × 7xy, तो अब ये इस सब को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 7 = 42, 42 को 3 से गुना करेंगे तो 42 × 3 × 3 = 6 × 4 = 12 = 126, यहाँ 126 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे x² है
और एक्स है, तो एक्स का पावर एक रहता है, तो एक्स और पावर एक, तो दो और एक मिलकर कितना हो जाएगा, एक्स का पावर तीन, और यहाँ वाई है और यहाँ वाई, तो वाई को वाई से गुना करेंगे तो वाई और एक यहाँ पावर रहता है और एक यहाँ पावर रहता है, एक और एक दो, तो कितना हो जाएगा 126, एक्स का पावर तीन और वाई का पावर दो आंसर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। कल हम लोग भाषा वाला सवाल देखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।